जय भीम साथियों, स्वागत है आपका साड्डा हक के पहले एपिसोड में। पहले ही एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे आरक्षण की, जवाब देंगे आरक्षण की, आलोचना करने वालों को, आरक्षण के प्रतिद्वंदियों को। हम कंपेयर करेंगे अमेरिका की आरक्षण पॉलिसीज को भारत से और सीखेंगे कि कैसे हम भारत में बेटर कर सकते हैं आरक्षण पॉलिसीज, क्या सीख सकते हैं अमेरिका से। पर पहले आपको इस शो के बारे में बता दें, साडा हक, जैसे कि इसका मतलब है हमारा हक, हम सबका हक। हम चर्चा करेंगे इस शो में हर हफ्ते एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिसमें वंचित समाज के हक की बात तो हो ही हो, पर हम जाति और जातिवाद से जुड़े कई ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिसे ज़्यादातर नहीं उठाया जाता, ज़्यादा बात नहीं की जाती, और उनकी हम बारीकी से जांच करते हुए विश्लेषण करेंगे, उनका लंबा विश्लेषण करेंगे। तो पहले एपिसोड में हमने देखा कि मैंने पाया, गूगल सर्च करी थोड़ी, तो देखा कि हर चीज़ के लिए आरक्षण को दोषी ठहराया जाता है इस देश में। कि देश डेवलप नहीं कर रहा, वर्ल्ड पावर नहीं बन रहा, अमेरिका जैसी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि आरक्षण। इस सवर्ण लोगों ने, खासकर जातिवादी सवर्ण लोगों ने पूरे इंटरनेट पर ये सब फैला रखा है हर मीडियम में। अच्छा है किसी ने ये नहीं कहा कि कोरोना क्यों फैला, आरक्षण। तो हम देखेंगे आगे ये इन्हीं जातिवादी लोगों को हम आज जवाब देंगे। बहुत लोग कहते हैं कि भारत में ही आरक्षण है, बाकी देशों में क्यों नहीं। ये एकदम गलत बात है। दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में आरक्षण है। अमेरिका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील, मलेशिया, ये चार ऐसे बड़े देश हम चर्चा करेंगे चार एपिसोड्स में इनकी नीतियों की। और ये हमने देश, ये चारों ही देश इसलिए चुने हैं कि इन देशों में भी आरक्षण की नीति काफ़ी विवादित नीति रही है, और लोकतांत्रिक देश तो है ही हैं। और इन देशों में भी, जैसे भारत में जातिवाद है, इन देशों में भी हिस्टोरिक तौर पर, आप कह लीजिए नस्ल भेद हो, रंग भेद हो, ऐसी परेशानियां रही हैं हमेशा से। ऐसा एक समूह रहा है, वंचित समूह, जिसे शोषण और असमानता झेलनी पड़ी है। और इन सब देशों में मॉडर्न टाइम्स में पिछले 3-4-5 दशकों में यही माना गया कि आरक्षण एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है हिस्टोरिक इनइक्वालिटी से जीतने का, या उनको थोड़ा कुछ हद तक ठीक करने का, विविधता लाने का, सबको मौका, सबको अवसर प्रदान करने का। सिर्फ भारत में ऐसा नहीं है, बहुत सारे देश ऐसे हैं दुनिया भर में जहाँ पे ये माना गया है कि आरक्षण ही है, आरक्षण ये कर सकता है। तो हम इसी को अगले चार एपिसोड में ये प्रूव करके दिखाएंगे। पहले हम अमेरिका लेते हैं, क्योंकि अमेरिका हमारा फेवरेट देश है, खासकर सवर्णों का तो फेवरेट देश पूरी दुनिया में अमेरिका ही है, खासकर मोदी फैंस का, ट्रंप फैंस का देश फेवरेट अमेरिका है। अमेरिका में आपको बता दें, नस्ल भेद का लंबा इतिहास रहा है, बहुत बड़ा। वहाँ पे मेजॉरिटी में वाइट्स लोग हैं, माइनॉरिटीज़ में ब्लैक्स हैं। हाल ही में ब्लैक्स लाइव्स मैटर एक मूवमेंट भी बड़ा रहा है वहाँ अमेरिका में। 13% ब्लैक्स हैं जिन्हें ऐतिहासिक तौर पर शोषण और असमानता झेलनी पड़ी है, जिन और 70% से ज़्यादा वाइट्स हैं वहाँ, लगभग 76% अमेरिका में वाइट्स हैं, जिनका दबदबा रहा है सारे संसाधनों में। गुलामी तक झेली है ब्लैक्स ने पिछले 300 से 400 साल में, ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ है, 300-400 साल से ऐसा रहा है। तो आपको थोड़ा और डिटेल में हम बता दें कि जैसे इसकी जो शुरुआत, अगर हम रिजर्वेशन की बात करें अमेरिका में, वहाँ अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, सकारात्मक कदम यानी सकारात्मक नीतियाँ कहा जाता है, उनकी शुरुआत 1964 में हुई अमेरिका में। इंडिया की भी बात, इंडिया में तो स्वतंत्रता 1947 में मिली और साथ में आरक्षण आ गया, पर अमेरिका में 1964 से लगाई जा सकती है आरक्षण की शुरुआत, जब तब के अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने सिविल राइट्स एक्ट को कानून में तब्दील किया। अमेरिका की स्वतंत्रता के 188 साल बाद ऐसा हुआ। असल में 1950 के दशक में अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन में जो नस्ल से जुड़ी असमानताओं पर सार्वजनिक बहस और आलोचना हुई, उससे वहां की सरकार पर दबाव पड़ा।
अगर बाबा साहब अंबेडकर ने यहाँ दलित को ऑर्गेनाइज किया तो वहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका को जगाने की मुहिम छेड़ी। जाग जाओ अमेरिका, सफ़ेद लोगों का वर्चस्व खत्म हो गया है, ब्लैक नागरिकों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो देखा हमने कि कैसे वहाँ सार्वजनिक बहस की वजह से पॉलिसीज आई, ऐसी नीतियाँ आई आरक्षण की और भेदभाव रोकने की मुहिम शुरू हुई। तो हम इससे सीख सकते हैं कि कैसे हमें यहाँ भारत में भी इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है, सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम देखिए आगे, ये एक्ट आने के बाद, सिविल राइट्स अधिनियम जब आया 1964 के बाद, तब से लेकर आज तक कई सारे ऐसे आधिकारिक आदेश आ चुके हैं, चाहे वह गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, चाहे लोकल लेवल की सरकारें हो या प्रशासन हो, उन्होंने कई सारे आधिकारिक आदेश लाए हैं जिन्होंने कहा है कि आपको विविधता कायम रखनी है। जब भी आप नौकरी के लिए किसी को हायर कर रहे हो, ये अनिवार्य है वहाँ पर। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि स्वैच्छिक तरीके से, यानी वॉलेंट्री तरीके से भी लोगों ने पॉलिसीज़ बनाई हैं कि विविधता होनी चाहिए हमारी हायरिंग में, हमें अपना जो वर्क प्लेस है, अपने जो एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी है, उसमें सबको मौका देना है, सबको समान मौका और अवसर देना है नौकरी पाने का। वह खुद स्वैच्छिक तरीके से भी वहाँ होता रहा है। तो ये स्वैच्छिक तरीके से भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है हमें देखने की कि यहाँ भारत में तो कोटा अनिवार्य है, फिर भी पूरी सीट्स नहीं फिल होती, फिर भी नौकरियों में जितने मिलनी चाहिए अवसर उतने नहीं मिलते। वहाँ इतना सार्वजनिक बहस हो चुका है, ऐसा माइंडसेट बन चुका है समाज का कि ये अच्छी बात मानी जाती है, कंपनी की अच्छी बात मानी जाती है कि आप विविधता कायम रखें अपनी हायरिंग में, अपने कर्मचारियों में, जो वंचित समाज से लोगों को भी मौका दे, ये एक सामाजिक तौर पर वहाँ अच्छी बात मानी जाती है। यहाँ की तरह दबाया नहीं जाता, ऐसे भारत में होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इससे हम देखते हैं एक और चीज़ इससे निकलती है सीखने की, वह निगरानी के तंत्र। ऐसा नहीं है अमेरिका में हुआ कि एक पॉलिसी नीति बनाई हो आरक्षण की या भेदभाव रोकने की और फिर सो जाए या ब्यूरोक्रेटिक टेप में कहते हैं रेड टेप लगाएं, ख़त्म करा और सो गए। सिर्फ नीति नहीं, ऐसे तंत्र बनाए गए कि समीक्षा की जाए लगातार पॉलिसी की और ऐसी एजेंसियां बनाई गई, स्वतंत्र एजेंसियां, जो कि देख सके कि ढंग से नीति लागू हो भी रही है या नहीं। तो आपको इसका उदाहरण दे, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन है, यानी समान रोजगार अवसर आयोग, एक स्वतंत्र एजेंसी है जो कानून को ढंग से लागू करती है, सिविल राइट्स एक्ट को। ये देखती है कि रोजगार देने में भेदभाव रोकने की जो नीतियां हैं वे ढंग से लागू हो रही हैं या नहीं, नौकरियों में भर्ती जो विविधता और डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए कर रही हैं कंपनियां या नहीं। ये एजेंसी शिकायतें तक ले सकती है, जांच कर सकती है और कर्मचारी और मैनेजमेंट के बीच सुलह भी करा सकती है। और अगर भेदभाव की कोई बड़ी शिकायत आती है तो ये कमीशन दंडित भी कर सकती है मैनेजमेंट को। अब ये बहुत अच्छी बात है अगर भारत में कोई ऐसा तंत्र हो, कोई ऐसी कमीशन हो जो देख पाए। पर यहाँ भी जो भारत में राष्ट्रीय आयोग है, चाहे वह अनुसूचित जाति के लिए हो, अनुसूचित जनजाति के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, माइनॉरिटीज़ के लिए हो, OBCs के लिए हो, सबके लिए जो राष्ट्रीय कमीशन है उसमें बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक वे से, सरकारी तौर पर जिसे काम किया जाता है, कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, जनरली के ढंग से काम नहीं कर रहे, उनके पास कोई पावर ही नहीं है, वे केवल मीडिया को बाइट देते हैं या एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं एट्रोसिटीज़ की। इससे ज़्यादा ये कमीशन ये देख नहीं सकती कि लागू हो भी रहा है आरक्षण ढंग से कि नहीं। एक ऐसा आरक्षण जो कि 85% आबादी को 50% से कम दिया गया है, उसको भी ढंग से लागू करने के कोई निगरानी तंत्र नहीं है। अगला पॉइंट, जैसे मैंने स्वैच्छिक की बात करी कि स्वैच्छिक तौर पर नीतियां हैं आरक्षण की अमेरिका में, वह केवल सरकारी कंपनियां ही नहीं, प्राइवेट कंपनियां, जो निजी कंपनियां हैं, निजी नियोक्ता हैं, वह भी स्वैच्छिक तौर पर ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं कि हम अपनी कंपनियों में विविधता ला सकें, औरतों को
हो या ब्लैक्स को हो या वह हिस्पैनिक्स भी हैं लैटिन अमेरिका से, माइनॉरिटी है ग्रुप एक, उनको भी हम समान अवसर दे सके, प्रतिनिधित्व दे सके वहाँ। अगेन माइंडसेट की वजह से प्राइवेट कंपनियों ने तक ये किया है। और अगर हम भारत की बात करें, 3 दशक हो गए, 1990 में ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स आए थे, आज कॉरपोरेट वर्ल्ड इतना बड़ा हो गया है, अब तो एयर इंडिया हो गया, रेलवेज उनको भी प्राइवेट किया जा रहा है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण आ पाएगा भारत में? ये बहुत ज़रूरी है, इसको सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये प्राइवेट कंपनियां स्वैच्छिक तौर पर ही ऐसी नीतियां लाए आरक्षण की भारत में। ये बात हुई रोजगार की, नौकरियों की, कोटा की अमेरिका में। अब हम आते हैं एडुकेशन में, पढ़ाई में, विश्वविद्यालयों में। विश्वविद्यालयों में भी काफ़ी विवादित रहा है ये मुद्दा, और काफ़ी टाइम से वहाँ ऐसी नीतियाँ रही हैं, वहाँ कोटे की नीति नहीं है विश्वविद्यालयों में, एक समग्र नीति है जिसमें जैसे अफर्मेटिव एक्शन मैंने बताया, सकारात्मक कदम है ऐसे कि जब आप दाखिले कोई कर रहे हैं किसी विश्वविद्यालय में तो कई सारे फैक्टर्स देखे जाएं, उसमें नस्ल, क्योंकि नस्ल भेद है वहाँ, यहाँ जातिवाद की तरह वहाँ नस्ल भेद है, तो नस्ल एक फैक्टर ज़रूर हो कि अगर आप 100 लोग वहाँ दाखिले लेते हैं तो उसमें 10-15 ब्लैक्स हों, कुछ इंडिया से हों, चाइना से, एशियन अमेरिकन हो, और बाकी माइनॉरिटीज़ हिस्पैनिक्स हों, ट्रांसजेंडर्स हों। ये एक वहाँ भी स्वैच्छिक तौर से ऐसी नीतियाँ विश्वविद्यालयों में है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ बहुत दिलचस्प बात, वहाँ भी इतना विवादित मुद्दा रहा है, चाहे विश्वविद्यालयों में हो आरक्षण, चाहे नौकरियों में हो, वह सुप्रीम कोर्ट तक गया है अमेरिका के मुद्दा, और पिछले 2 से 3 दशक में एक नहीं कई बार बड़े बड़े केस हुए हैं वहाँ के। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये सकारात्मक नीतियाँ, आरक्षण की नीतियाँ बहुत ज़रूरी हैं, ये नस्ल भेद को हटाने के लिए, जो ऐतिहासिक तौर से शोषण रहा है समाज में उनको कम करने के लिए, उसे हटाने के लिए सकारात्मक कदम बहुत ज़रूरी है, और ये कोई गलत बात नहीं है, ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 दशक में कई बार कहा है। और आपको बता दें, इन सब नीतियों के कई दुश्मन हैं अमेरिका में भी, जैसे यहाँ सवर्ण है जो हमेशा जिनका वर्चस्व रहा है, वहाँ भी वाइट्स जिनका हमेशा से वर्चस्व रहा है, उनको भी बहुत खटकता है वहाँ पे ये सकारात्मक नीति, खटकता है आरक्षण। और केवल वहाँ के वाइट्स और दक्षिणपंथी नहीं, यहाँ से जो एशियन अमेरिकन वहाँ जाते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया से हो गए, चाइना से हो गए, वियतनाम, कोरिया, सिंगापुर, यहाँ से जाते हैं जो अमेरिका में बसते हैं जाकर प्रवासी लोग, उन्होंने भी पिछले 3-4 साल में कहीं ना कहीं आरक्षण के खिलाफ, वहाँ सकारात्मक नीतियों के खिलाफ वहाँ जाकर भी आवाज़ उठाई है, केसेस तक दायर करे हैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि 6% है अमेरिका में एशियन मूल के लोग, एशियाई मूल के लोग, और हार्वर्ड जैसी बड़े विश्वविद्यालय में 20% से ज़्यादा सीटों पर दाखिला होता है उनका। इतनी ज़्यादा 6% पॉपुलेशन में होने के बावजूद 20% से ज़्यादा दाखिला होता है, फिर भी उनको खटकता है आरक्षण। और इसमें भी हम सिमिलैरिटीज़ देख सकते हैं कि यहाँ OBC आरक्षण जो है भारत में, वह भी एक समग्र नीति ही है जिसमें क्रीमी लेयर है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर भी है, सामाजिक आर्थिक तौर पर है आरक्षण। अगला जवाब हम देंगे उन लोगों को जो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। अमेरिका में भी 8 राज्यों ने, वहाँ 50 राज्य हैं, उनमें से 8 राज्यों ने आरक्षण खत्म करने की कोशिश करी। वहाँ के विश्वविद्यालयों में बैन किया गया आरक्षण को, इसका बेहद गलत प्रभाव हुआ। शोध बताता है कि वहाँ के ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स और अन्य माइनॉरिटीज़ का प्रतिनिधित्व कम हुआ पिछले 8 साल में बैन होने के बाद। तो इन राज्यों ने ऐसा नहीं किया कि बड़ी खुशी हुई इनको, इन राज्य के विश्वविद्यालयों ने कई ऐसे स्टेप्स लिए जिसमें पाया गया कि नए उपाय निकाले विविधता कायम रखने के लिए, जैसे कि वाइट्स की जो विरासती प्राथमिकता थी उसे ख़त्म किया, उसे हटाया, पूर्व छात्रों के परिवार के लिए कुछ खास नीतियाँ जो थी उन्हें भी हटा दिया। कई राज्यों ने तो आर्थिक सहायता, स्कॉलरशिप्स, प्रथम पीढ़ी के छात्रों के लिए विशेष नीतियाँ निकाली, कठिनाइयों के बावजूद स्कूल में
अच्छा प्रदर्शन जो ब्लैक्स करते थे उनको ज़्यादा अंक दिए, अतिरिक्त अंक भी दिए। तो ये दिखाता है कि केवल आरक्षण की नीति ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ स्कॉलरशिप्स और एक्स्ट्रा अंक देना, एक्स्ट्रा सहायता करना एडमिशन्स में, साथ ही में जो प्रिविलेज वर्चस्व वाले लोग हैं उनको, जो जैसे इंडिया में मैनेजमेंट कोटा है, भाई भतीजावाद है, उस पर कदम लिए गए अमेरिका में, तो हमें भी यहाँ भारत में मैनेजमेंट कोटा को हटाए, भाई भतीजावाद वाली जो नेपोटिज्म है उसको हटाना है। ये सरकार जो है स्कॉलरशिप्स, खासकर एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स के पीछे पड़ी हुई है, जो कि बेहद गलत बात है। ये आरक्षण के साथ वाली नीतियाँ हैं जो कि मदद करती हैं वंचित समाज के छात्रों के लिए, दलित बहुजन आदिवासी समाज के छात्रों के लिए, यह भी बेहद ज़रूरी है, तो इनका भी ध्यान रखना है। और अब 2014 में आरक्षण एक बहुत बड़ी नीति बन गई है अमेरिका में, जब ट्रांसजेंडर्स के लिए भी आरक्षण की घोषणा की बैरक ओबामा ने, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स और क्वियर समाज के लोग हैं उनके लिए भी, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कोटा की अनाउंसमेंट करी 2014 में तब के राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने। तो हर वंचित समाज के लिए, हर माइनॉरिटी के लिए अमेरिका में आरक्षण, या कहे अफर्मेटिव एक्शन, ऐसी सकारात्मक नीतियां हैं। और अभी इसका डायरेक्ट तुलना अगर हम भारत से करें, 2019 में भारतीय संसद ने एक बिल पास किया है जिसमें ट्रांसजेंडर्स के आरक्षण को, उनको ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण से हटा दिया है। इस सरकार ने कहा कि ये ट्रांसजेंडर्स के लिए, उनकी सहायता के लिए बिल है, पर उसमें उनके आरक्षण की बात ही नहीं करेगी, जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देना चाहिए। तो इसकी भी मुहिम हमें छेनी है, खासकर दलित आदिवासी बहुजन समाज से भी जो ट्रांसजेंडर्स हैं, क्वियर लोग हैं, उनके लिए भी आरक्षण की बात ज़रूर करनी चाहिए, और महिलाओं के लिए भी जो दलित आदिवासी बहुजन समाज से महिला है उनके लिए आरक्षण की भी बात ज़रूर करनी चाहिए। आखिर में ये तो हमने आरक्षण की बात करी, इसमें था रोज़गार में, शिक्षा में। एक बात ये बता दें कि चाहे और समाज में जो फील्ड्स हैं उनमें आरक्षण नहीं है अमेरिका में, पर अगेन माइंडसेट की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन या यूट्यूब पे बहुत सारे टीवी शोज अमेरिकी है और फिल्म्स भी देखते हैं हॉलीवुड की, तो कहीं ना कहीं पिछले 2 दशक में ऐसी कोशिश की गई है कि हर फिल्म या टीवी शो में ब्लैक्स, माइनॉरिटीज़, बाकी उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी दिखाए जाएँ। ये बेहद कोशिश हुई है खासकर पिछले 2 दशक में, पिछली सदी में इतना नहीं था, पर ये देखा गया क्योंकि एक सार्वजनिक बहस बनी तो कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है वहाँ अगर आप वो कैरेक्टर्स भी, उनके कैरेक्टर्स भी दिखाएं, जितने कैरेक्टर, जितनी आबादी में जनसंख्या है हर कम्युनिटी के, उतनी ही जनसंख्या के कैरेक्टर्स भी फिल्मों में भी, टीवी शोज में भी हों, ऐसा भी अमेरिका में देखा गया है। और भारत में अगर हम तुलना करें तो खासकर जो कमर्शियल सिनेमा है, बॉलीवुड है, वहाँ पे तो जाति जातिवाद की बात ही नहीं होती, हर दूसरा किरदार या हर किरदार ज़्यादातर अमूमन ब्राह्मण या सवर्ण ही होता है। आखिर में हम बात करेंगे जाति की, थोड़ी सी बात करेंगे जाति कैसे अमेरिका में है। नस्ल भेद की तो हमने बात करी, पर वहाँ अब डिमांड उठने लगी है कि सिर्फ नस्ल भेद ही नहीं, आप सकारात्मक नीतियाँ जातिवाद या जाति भेद जो है वहाँ अमेरिका में उसके लिए भी बनाएं, क्योंकि अभी देखेंगे हम 2 केस इसी साल पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा वायरल हुए ऑनलाइन। एक तो सिस्को का था कि वहाँ के एक प्रवासी सवर्ण इंसान ने अपने कलीग के खिलाफ, अपने दलित कलीग के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करी, डिस्क्रिमिनेशन की वहाँ, तो इसके खिलाफ बहुत हल्ला मचा है। एक एंटिटी, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी एक प्रवासी सवर्ण महिला ने फेसबुक पर जातिवादी टिप्पणी करी, उसके खिलाफ भी अंबेडकरवादियों ने काफ़ी हल्ला बोला, और वहाँ की मल्टीनेशनल कंपनियों ने माना है कि हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस पे देखेंगे, इसकी जांच होगी, और साथ ही में हम ऐसे कदम उठाएंगे, क्योंकि जो भारत से लोग आते हैं वहाँ, भारत से जो प्रवासी जाते हैं, सवर्ण भी जाते हैं और दलित आदिवासी बहुजन समाज से भी जाते हैं, तो उनको जो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, इस पे भी
हम चर्चा करेंगे। वहाँ की मल्टीनेशनल कॉरपोरेट वाली कंपनियों ने भी अब ये कह दिया है, तो इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो ज़रूर करेंगे। पर आपको एक तथ्य मैं दे दूँ उससे पहले कि इक्वालिटी लैब्स नामक एक संस्था है, एक बहुजन समाज के लोगों ने ही, दलित बहुजन समाज के लोगों ने संस्था स्थापित करी है। उसका कहना है, शोध का कहना है कि जाति जो है अमेरिकी समाज के हर क्षेत्र में है, स्कूलों में, ऑफिसेज में, बिजनेस में, खाने में, धार्मिक जगहों में, अमेरिका के समाज में भी खुल गई है, जैसे जैसे प्रवासी हिंदुओं की संख्या वहाँ भी बढ़ी है। तो बाबा साहब ने भी कहा था कि जो ब्राह्मण सवर्ण है भारत के, अगर दुनिया भर में जाएंगे तो वहाँ जातिवाद फैलेगा। ये सही सच हो गया है, अब शोध भी बताता है। इसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो करेंगे, पर आज के लिए इतना ही था। हमने अमेरिका की आरक्षण नीतियों की चर्चा करी, हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई कि स्वैच्छिक तौर पर वहाँ सरकारी में भी हो या निजी नियोक्ताओं ने भी स्वैच्छिक तौर पर विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण की नीतियाँ हैं, विविधता और प्रतिनिधित्व के लिए, ब्लैक्स, माइनॉरिटीज़ और औरतों के लिए भी, महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी। और साथ ही साथ वहाँ दूसरी बात जानने की ये है कि निगरानी के तंत्र के ढंग से लागू हो भी रही है या नीति या नहीं, उसके भी तंत्र, और ये दोनों चीज़ें 2020 के भारत में होना आरक्षण नीति की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने अमेरिका से सीखा आज। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे दक्षिण अफ्रीका की नीतियों की, बहुत ही दिलचस्प नीतियाँ हैं वहाँ, क्रिकेट में भी आरक्षण की नीतियाँ हैं वहाँ। तो हमारा अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा साढ़ा हक का, जब हम दक्षिण अफ्रीका के आरक्षण की नीतियों की चर्चा करें। अभी के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर ऐसे सवर्ण लोगों को ज़रूर दिखाइए जो अभी भी भ्रम में है कि आरक्षण केवल भारत में है, पूरी दुनिया में नहीं है, उनको ज़रूर दिखाइए। और बाकी भी सबको, अपने आसपास लोगों को अवेयर कीजिए कि ये आरक्षण की नीतियाँ कैसे दुनिया भर में है और क्या क्या भारत, हम लोग बहुजन समाज के हों या चाहे भारत के सवर्ण भी हों, हम लोग क्या सीख सकते हैं अमेरिका की आरक्षण नीतियों से। तो शेयर कीजिए वीडियो को, द शूद्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपसे साढ़ा हक के अगले एपिसोड में जल्द ही। जय भीम। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।